देखिए जो हमारा ए वाला पीएफ है ना, ए वाला पीएफ हमारा किस तरह से, और ये बैटरी लगाने के बाद ये वाला पीएफ जो है हमारा किस तरह से पिघल जाता है। देखिए हमने एक को ग्राउंड में लगा लिया और एक को, तो देख सकते हो ये जो पीएफ है ये हमारा बिल्कुल ही पिघल गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, तो ये जो है इधर से हमारा शॉर्ट है। तो हेलो दोस्तों, मैं सुब्रतो स्टार किंग मोबाइल यूट्यूब चैनल से फिर से और एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। आज का वीडियो जो है हम थोड़े बहुत लाइन आपको दिखा सकते हैं और उसके बाद काम तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। आज हम दिखाएंगे कि शॉर्ट जो होता है हमारा मोबाइल के अंदर बहुत बार क्या होता है, फुल शॉर्ट हो जाता है। तो आज हम फुल शॉर्ट को किस तरह से रिमूव करते हैं, तो भी बहुत ही ईजी मेथड है। देखिए जब भी फुल शॉर्ट आता है तो शॉर्ट जो है कहाँ से है उसको फाइंड आउट करने के बहुत सारे जो प्रोसेस होता है। देखिए जो प्राइमरी लाइन होता है उसका अगर फुल शॉर्ट है तो हम कोई भी एम्पियर वोल्टेज देकर शॉर्ट को जो क्लीन कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी लाइन में जब वोल्टेज का प्रॉब्लम आएगा जो शॉर्ट हो जाएगा तब दिक्कत हो जाता है, कहाँ कितने वोल्ट है कितने एम्पियर है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, या फिर आपको और एक काम कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा, वो जो बहुत ही डिफिकल्ट डिफिकल्ट जो फॉल्ट होता है, जो सेकेंडरी लाइन का शॉर्ट को किस तरह से कहाँ पर कितने वोल्ट देने से हमारा फॉल्ट जो है शॉर्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा, वो फाइंड आउट होगा, तो वो जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो तब जाकर आपको ये वीडियो आपको मिलेगा। देखिए आज जो वीडियो है ये हम नॉर्मल छोड़ दे रहे हैं, ये जो है एक नॉर्मली एक कीपैड सेट है, इस कीपैड सेट में आपको दिखाई देगा जो किस फुल शॉट है उसको किस तरह से रिमूव करते हैं। देखिए फुल शॉट हर कोई रिमूव कर देता है, फिर भी आज एक जो वीडियो है हमने लेके आया है और कोई पावर नहीं कुछ नहीं और एक जस्ट एक बैटरी है, आप देख सकते हो लिथियम बैटरी है, चार्जर लाइट में लग के आता है, कोई भी इलेक्ट्रिक शॉप पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 40 से 50 रुपये के अंदर ये जो बैटरी आपको अवेलेबल हो जाएगा किसी भी शॉप पर, इलेक्ट्रिक शॉप पर जो लाइट वगैरह रिपेयरिंग करता है उसमें मिल जाएगा। तो इससे हम आज एक फ़ोन का जो शॉर्ट है तो उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे आज वही देखाएंगे। और अगर आपको सेकेंडरी लाइन का शॉर्ट किस तरह से रिमूव करता है, हाफ शॉर्ट किस तरह से रिमूव होता है वो अगर जानना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से वो वीडियो का आपको लिंक आपको मिलेगा, वो वीडियो का और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तब आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करेंगे, देखते हैं किस तरह से हमारा फ़ोन का क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो सेकेंडरी लाइन का वीडियो जो फॉल्ट है शॉर्ट है उसको किस तरह से कहाँ पर कितने वोल्ट देने से कितने एम्पियर देने पर वो शॉर्ट हमारा रिमूव होगा वो जानने के लिए। आप देख सकते हो ये हमारा कार्बन K9 का शेड है, ठीक है। तो इसको हम ओपन करेंगे और एक कार्बन K9 होने से कोई मतलब नहीं, इसका फॉल्ट जो है उसको फाइंड आउट करना हमारा मकसद है। देख सकते हैं कार्बन K9 है और इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले ये शेड जो है डेड है, तो डेड होने से हमको क्या है, हमको फर्स्ट जो है टेस्टिंग करना पड़ेगा। टेस्टिंग करेंगे हम सबसे पहले, तो हमको टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले बाजार मोड पर दे रहे हैं, तो आप देख सकते हो ये हमने बाजार मोड में लगाया, को अच्छे से दिखाने के लिए भी हाँ आ रहा है। तो अब हम चेक करेंगे, तो ये जो बैटरी कनेक्टर है इसमें हमने लगाया, देखिए एक है हमारा बीप दे रहा है, तो दोनों साइड ही हमारा जो है ये बीप दे रहा है, यानी कि ये जो है फुल्ली शॉर्ट हो गया, ठीक है। आपको दिखा दिया प्रॉब्लम जो है इसके अंदर शॉर्ट है, तो इस शॉर्ट को हम आज रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले तो स्क्रू को खोल लेंगे, तो स्क्रू को हमने जो है सबसे खोल लिया, निकल लिया, अभी हम इसको ओपन करेंगे। तो स्क्रू को करेंगे साइड में, उसके बाद हम
मैंने खोल लिया। तो देखिए ये बहुत ही छोटा बोर्ड है, तो वीडियो अगर ज़्यादा लंबा हो इसलिए, लंबा नहीं हो इसलिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे चीज़ हम इग्नोर कर देंगे। तो दोस्तों ये है जो हमने बोर्ड को अब पूरी तरह से लग कर लिया है, ठीक है, देख सकते हो। और एक बार हम टेस्ट कर लेंगे कि हमारे इधर प्रॉब्लम जो था वो अभी तक है या क्या कुछ है। तो आप देख सकते हो अभी भी वही हमारा जो शेड है वो बीप दे रहा है अभी भी। तो सबसे पहले हमको जो करना है, तो दोस्तों ये मैंने स्टैंड को फिक्स कर लिया क्योंकि ये दिक्कत कर रही थी। तो ये जो है शॉर्ट इधर है, बैटरी कनेक्टर में शॉर्ट है, तो हम शॉर्ट को चेक करेंगे। तो ये जो ढक्कन है इसको हमको रिमूव करना पड़ेगा। तो ढक्कन को जब भी रिमूव करें, देख कर रिमूव करें, देखिए ये ढक्कन को हमने रिमूव कर दिया। और इसमें जो सीपीयू हमारा लगा हुआ है वो आप देख सकते हो, ये स्प्रेक्टम का सीपीयू है, तो स्प्रेक्टम 6533G करके ये सीपीयू है। तो जो भी हो इसको हम चेक करेंगे तो इसके अंदर शॉर्ट कहाँ पर है। तो हम इस बैटरी से इस शॉर्ट को रिमूव करेंगे, आज का जो वीडियो का मेन टॉपिक है। तो इसको हम इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इसमें एक और एक चीज़ आपको चाहिए, ये रोजन जो मार्केट में मिलता है अवेलेबली, तो रोजन को हम अप्लाई करेंगे इस जगह पर, इस जगह पर जो हम रोजन को बिल्कुल अप्लाई करेंगे। तो कर लेते हैं, फर्स्ट अप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं इस तरह से बताया, देखते रहिए पूरी वीडियो। तो हीटिंग को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, वीडियो बहुत ही एजुकेशनल एक वीडियो है। आप वीडियो को अगर स्किप कर देंगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि शॉर्ट कहाँ थी और कुकर लेंस को किस तरह से रिमूव किया जाता है, बहुत ही ईजी तरीके से एक बार में ही आपका काम जो है सॉल्व हो जाएगा। और कोशिश करिए जिस जगह पर आप रोजन यूज करेंगे उस जगह पर यार नहीं आए, क्योंकि यार आएगा तो स्मोक जो है ठीक से नहीं बैठेगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो हम पूरे बोर्ड में जो है रोजन को अप्लाई कर लेंगे, जिस जिस जगह पर आपको लगता है कि इस जगह पर शॉर्ट हो सकता है। तो आप नए हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा कहाँ शॉर्ट है ढूंढने के लिए। तो देख सकते हो दोस्तों हमने जो है लगा लिया, अब हम आपको माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे। तो हम माइक्रोस्कोप को रेडी करते हैं और एलईडी डिस्प्ले में आपको शो कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारा मॉनिटर में लगा हुआ है और बोर्ड जो है हमारा इस जगह पर है, देख सकते हो बोर्ड जो है हमने इस जगह पर माइक्रोस्कोप के नीचे जो है लगा के रखा हुआ है, देख लीजिए इधर हमारा जो बोर्ड है वो इधर लगा हुआ है और हमने इस चीज़ को इस साइड में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जो हमारा ए वाला पीएफ है ना, ए वाला पीएफ हमारा इस तरह से, और ये बैटरी लगाने के बाद ये वाला पीएफ जो है हमारा किस तरह से पिघल जाता है, देखिए हमने एक को ग्राउंड में लगा लिया और एक को, तो देख सकते हो ये जो पीएफ है ये हमारा बिल्कुल ही पिघल गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, तो ये जो है इधर से हमारा शॉर्ट है। और एक बार आपको दिखाने के लिए हमने जो है इधर स्मोक को अप्लाई करेंगे, तो देखिए दोस्तों ये वही शेड है, कोई और शेड नहीं है और कहीं से कलेक्शन करना कोई और शेड नहीं है, यही शेड है। तो इसको हम दिखाएंगे किस तरह से इस जगह पर जो है हमारा, देखिए इधर हम रोजन को और एक बार अप्लाई करेंगे, देखिए मैंने अच्छी से रोजन को जो है अप्लाई कर लिया और आपके सामने अभी लाइव दिखाएंगे ये कहाँ से जो है हमारा स्मोक रिलीज होता है, इसी बैटरी से लगा कर आपको दिखाएंगे। और थोड़ा जूम कर ले आपको दिखाने के लिए अच्छी होगी। तो देख सकते हो मैंने ग्राउंड को ग्राउंड में लगा लिया और कहाँ से देख सकते हो, तो यही जो है हमारा पीएफ शॉर्ट है। तो दोस्तों इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। और तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए उसी पीएफ को। और एक बार फिर से दिखा रहा हूँ जो कंफर्म होने के लिए, देख सकते हो किस तरह से पिघल गया हमारा पीएफ। तो इसको अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली इसको हम जो है रिमूव कर देंगे, तो ये शॉर्टिंग जो है हमारा रिमूव हो जाएगा। अब देखते रहिए, चैनल को अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सेकेंडरी लाइन का जो वोल्टेज होता है उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसका फुल्ली जो वीडियो है उसको किस तरह से हम इजी मेथड से उसको शॉर्ट को जो है रिमूव कर सकते हैं। तो ये पीएफ को बहुत सारे भाई क्या करते हैं, नॉर्मली उखड़ के फेंक देता है, लेकिन हम इसमें और एक नया कैपेसिटर को लगाएंगे क्योंकि इसका भी कुछ काम है। ये फिल्टरिंग का काम करता है, जो नेटवर्क का आईसी होता है इसमें फिल्टरिंग का ये काम करता है, तो इसका भी काम है दोस्तों। कभी भी पीएफ अगर निकले तो बोर्ड में ज़रूर लगा दीजिए, इससे क्या होगा फिल्टरिंग का जो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसको हम अच्छे से रिमूव कर देंगे। तो दोस्तों ये पीएफ को जो है हमने रिमूव कर दिया, ये पीएफ को हम रिमूव कर दिया। अभी इस सेट को हम ऑन करेंगे आपके सामने, ठीक है, देखते रहिए। और वही सेट है, वही अलग बोर्ड नहीं है, तो इसको हम ऑन करके देखेंगे अभी कि ये जो सेट है हमारा ऑन होता है क्या नहीं। तो हम लगा देते हैं बैटरी कनेक्टर में, पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव को लगा दिया। और आप ऑन करेंगे पावर की को प्रेस करके, तो दोस्तों देख सकते हो हमारा सेट फुल्ली ऑन हो गया है और इसमें जो फुल्ली शॉर्ट था वो भी रिमूव हो गया। बेसिकली ये ऑन हो गया, इसके मतलब शॉर्ट तो नहीं है, फुल शॉर्ट था। तो सेट अगर फुल शॉर्ट होता तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने बोला जो सेकेंडरी लाइन का वोल्टेज है उसका बारे में अगर डिटेल्स, फुल्ली डिटेल्स आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों और एक बात, इस जगह पर जो मैंने पीएफ को लगाया, इस जहाँ से हमने पीएफ को निकल लिया, देखिए दोस्तों, हाँ इस जगह से हमने जो पीएफ को निकला हुआ है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पेस्टिंग कर देना पड़ेगा, नहीं तो ये सेट जो है प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन बाद में ये हमारे नेटवर्क आईसी को दिक्कत कर सकती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए।